गाइस, आई एम सिमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप देख रहे होंगे मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है, तो ये शाइन कैसे आई है मैं आपको बताऊंगी। तो जो है आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही हम हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, जो अपने हेयर की कैसे केयर कर सकते हैं। आजकल पता है गाइस, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से देखो हम पार्लर वगैरह में भी नहीं जा सकते, तो उससे हम ना ही तो अपने हेयर पे स्पा वगैरह करा सकते हैं, तो हम घर पे ही स्पा कैसे कर सकते हैं ये सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। गाइस, जैसे फेस की केयर करना जरूरी होती है, हम फेस से फेशियल करते हैं, उसके स्टेप होते हैं, जैसे हम पहले क्लींजिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, फिर हम मॉइस्चराइजिंग करते हैं, उसके बाद हम फेस पैक लगाते हैं, तो उसी तरह जो है हमें हेयर की केयर करना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर देखो हम हेयर की केयर नहीं करेंगे तो हमारे हेयर फॉल होने लग जाएंगे, हमारे हेयर जो ड्राई फ्रिजी हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है हमारे हेयर जल्दी व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हेयर की केयर करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें भी वैसे ही स्पा करने के लिए, जो हेयर स्पा हम घर पे करते हैं तो उसके लिए भी सेम वैसे ही स्टेप होते हैं जैसे हमारे फेशियल के होते हैं, बट इसमें जो है 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो है हमें हेयर स्पा में क्या करना है, हमें जो अपने बालों पे ऑयलिंग करनी है, आप कोकोनट ऑयल से जो है अपने हेयर की ऑयलिंग कर लीजिए। आपको अच्छी तरह सर्कुलर मोशन में जो पूरे बालों पे जो है अपने ऑयलिंग करनी है। एंड आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जो भी आप ऑयल यूज करते हो, बट कोकोनट ऑयल जो है एक बहुत ही अच्छा ऑयल होता है हेयर के लिए। ये हमारे जो स्कैल्प को नरिश करता है, बालों की ग्रोथ करता है, एंड जो कोकोनट ऑयल है वो हमारे जो हेयर में जो भी डैंड्रफ वगैरह है उस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है, हमारे बालों की ग्रोथ करता है। तो कोकोनट ऑयल जैसे हमारे हेयर ड्राई और डैमेज होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। तो गाइस, सेकंड स्टेप है कि हमने जो है बालों को जो है स्टीम देनी होती है। स्टीम देने के लिए देखो हम घर पे कैसे स्टीम दे सकते हैं। आप एक जो है पतीले में पानी गर्म कर लीजिए, एंड उस गर्म पानी में जो टॉवल को डिप करके अच्छी तरह निचोड़ लीजिए, और ऑयलिंग जो आपने बालों पे ऑयलिंग की हुई है उन बालों पे आप उसको अच्छी तरह रैप कर लीजिए। एंड आपको इसको 10 मिनट तक रखना है, ठीक है जी। आप जो अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए शैम्पू से। एंड शैम्पू से वॉश करने के बाद जो है आपको जो हेयर स्पा हम बनाएंगे उसको अप्लाई करना होता है। तो जो हेयर स्पा है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आपको थोड़े थोड़े बाल लेके जो है पूरे हेयर पे जो है ये स्पा आपको जो मास्क बनाया हुआ है वो अप्लाई करना है। अच्छी तरह उसको अप्लाई करेंगे पूरे हेयर पे। एंड उसको जो है आपको आधे घंटे तक रखना है बालों पे। 30 मिनट तक आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, अपने बालों को टाई कर लीजिए, एंड उसके बाद आप अपने बालों पे शैम्पू कर लीजिए, ठीक है जी। घर पे ही जो हम हेयर स्पा बनाते हैं, हेयर स्पा बनाने के लिए जो भी हम चीजें, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हमारे बालों को शाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, एंड हमारे बालों की ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो है कोकोनट ऑयल डाला हुआ है। कोकोनट ऑयल जो है बालों को जो है नरिश करता है, स्मूथ बनाता है, शाइन करता है, बालों की ग्रोथ करता है, एंड जो भी हमारी डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है।
एंड सेकेंड जो है इसमें हमने यूज किया हुआ है कर्ड। दही जो है हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारे बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनिंग बनाता है, ठीक है जी। एंड थर्ड जो है हमने इसमें डाला हुआ है हनी। जो हनी है हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, एक कंडीशनर की तरह काम करता है हमारे बालों पे। तो ये हमारे बालों को जो भी डैमेज ड्राई हेयर होते हैं उनको भी एकदम स्मूथ बना देता है। एंड जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाला हुआ है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। जो विटामिन ई के कैप्सूल है वो हमारे जो हेयर डैमेज हेयर वगैरह होते हैं उनको रिपेयर करता है। विटामिन ई जो होता है हमारे बालों की जो हेयर फॉल को रोकता है। फोर स्पून इसमें कर्ड डालेंगे, वन स्पून इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, टू इसमें विटामिन ए के कैप्सूल डालेंगे, टू स्पून इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे, वन स्पून इसमें जो है हनी डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अपने बालों पे स्पा करते हैं तो हमारे बाल जो है एकदम शाइनी हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। एंड हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। तो हमें जो है वैसे तो 15 दिन में एक बार जो है हमें हेयर स्पा जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम 15 दिन में हेयर स्पा नहीं ले सकते हैं तो 1 मंथ में एक बार हमें जरूर अपने हेयर पे स्पा देना चाहिए। तो इससे जो है हमारे हेयर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेयर हमारे शाइनी रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना। एंड ये एक तो नेचुरल है, घर पे बनाए हुए, इससे कोई केमिकल भी नहीं है, कोई आपके बालों में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी एंड आपके बाल जो है हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप इस रेमेडी को जरूर घर पे यूज करके देखना और मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा है ये स्पा। एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।